बाबा साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में नगर में देखिए तैयारियां चल रही है, टेंट का सामान आ गया है। कल उदयपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे और अभी कुछ ही देर में 133 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। पूरा चौराहे को सजा दिया गया है और धीरे धीरे यहाँ टेंट वगैरह सब लगेंगे। ये देखिए सामान सब पड़ा हुआ है। तो बाबा साहब की प्रतिमा के आसपास अभी 133 दीप प्रज्वलित होंगे अम्बेडकर सेवा समिति और सभी संगठन अभी शाम को पुष्पांजलि कई कार्यक्रम आयोजित होंगे जिसके दृश्य भी आप देखेंगे। तो बाबा साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में तो तैयारी चल रही है। पहुंची है, हमारी जीवन से जुड़ी संभाली है। हाँ हाँ क्या बात है। तो देखिए नौकरी कर रहे हैं, धीरे धीरे सारे सजावटी हो रही है। अंदर देखिए आप बैनर सजाए जा रहे हैं, पूरे पांडाल की धुलाई हो रही है और बाबा साहब की ये जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। कल इस पूरे प्रांगण में देखिए जन सैलाब जो है वो होगा, पैर देने की जगह नहीं होगी। कई भव्य रैलियां नगर में निकलेगी, कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो जागरूकता के बाद ही ये देखिए इतना सुंदर चौराया जो है वो बना दिया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर सर्कल बहुत ही सुंदर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस चौराहे के नाम भी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर्कल चौराहे के नाम से ये प्रसिद्ध होता जा रहा है। कल यहाँ पर भव्य कार्यक्रम जो है आयोजित होगा और चारों तरफ देखिए कितना खूबसूरत है, पेड़ सुंदर सुंदर लगाए गए हैं। हालांकि इस पर शाम को जो पंछी बैठते हैं उनसे थोड़ा सा जो है गंदगी होती है, लेकिन सुबह पुनः साफ कर दिया जाता है, लाइटिंग सजा दी गई है। तो बाबा साहब की जन्म जयंती पूरे भारत में तो मनाई जाती, विश्व के कई हिस्सों में भी जन्म जयंती बड़े 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 ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो सुंदर सा सर्कल है ये, तो अम्बेडकर सर्कल से आप उदयपुर से जहाँ दृश्य देख रहे हैं, जहाँ शाम को ये फव्वारे चलेंगे और बड़ा ही सुंदर लाइटिंग की सजावट, बहुत ही खूबसूरत चौराहा लगेगा। तो आइए सभी मिलकर बाबा साहब के इस जन्म जयंती को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाएं और कल अपने घर के आंगन में 10 दीपक बाबा साहब के नाम के जरूर जलाएं। ऐसे भारत रत्न जन्मे जिन्होंने भारत में जन्म लेकर भारत की शोभा बढ़ाई, सभी समाज की शोभा बढ़ाई। अब मेरा फोटो खींचे, लोकतंत्र राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है, कृषि प्रधान राष्ट्र है, पुरुष प्रधान राष्ट्र है, ऋषि मुनियों का राष्ट्र है, साधु संतों का राष्ट्र है, वैज्ञानिकों का राष्ट्र है और नेताओं का राष्ट्र है। इसमें एकता है, अखंडता है, भाईचारा है, यही अखंड सत्य है। आदरणीय महामहिम भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रतिभा जी नमः। MA MSc PhD डिलीट PhD LD पटना अध्यक्ष भारतीय संविधान कृषि एवं भारतीय मतलब कानून मंत्री जन 14 अप्रैल 1894 निर्माण 6 सितंबर 1956 उत्तम शरणम गच्छामि। मैं श्री गौतम बुद्ध भगवान की जय हो और बौद्ध धर्म के गुरु वर्तमान में दलाई लामा आपके चरणों में साक्षात वंदन बारी बारी वंदन। पूरे नगर में आज बाबा साहब की जन्म जयंती को लेकर तैयारियां चल रही है। मैं आपको बता दूं कि आज बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर 133 दीप प्रज्वलित होंगे और कई कार्यक्रम आज आयोजित होंगे। उसी क्रम में आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ कांग्रेस की ओर से भी आज स्वागत और अभिनंदन का जो है
पोस्टर बैनर भी लगाया गया है। हमारे साथ में भाई साहब सुनील जी चौहान है, उनसे बात करेंगे। और मेरा नाम सुनील चौहान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को संविधान किया है। तो बाबा साहब की जन्म जयंती पे देखिए अम्बेडकर सर्कल पूरा सज गया है, चारों लाइटें। और जैसा कि 133वां दीपक जलाए गए हैं, दीपक सामने दिखाई दे रहे। बाबा साहब की जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर 133 दीप प्रज्वलित कर इस समारोह को आगाज कर रहे हैं। और इसमें ढोल नगाड़ों के साथ 132 दीप के साथ, पटाखों के साथ, और सभी लोग यहां पधारे हर उल्लास से इस जयंती के पूर्व संध्या पर उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। कल आप सभी से निवेदन है कि सुबह 9:30-8:30 माल्यार्पण होगा, 9:15 रैली निकलेगी। उस रैली में आप सभी लोग, सर्व समाज के लोग बधारे।
और एक 11 बजे यहाँ महासभा होगी। उस महासमारोह में प्रतिभावान बच्चों को परिस्थिति देके उनको हौसला बढ़ाई की जाएगी और बहुत बड़ी सभा होगी। और सभी विजयपुर वासियों से निवेदन है कि आप सब प्रकार के हर्षोल्लास से इस बाबा साहब के महामानव की जन्म जयंती को मनाई जाए। भारत माता की जय। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब ने क्या दिया? देश को संविधान दिया। बाबा साहब ने क्या दिया? देश को संविधान दिया। एक दो तीन चार बाबा साहब ये देगा। एक दो तीन चार बाबा साहब ये देगा। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब ने क्या दिया? देश को संविधान दिया। बाबा साहब ने क्या दिया? देश को संविधान दिया। बाबा साहब की जय जयकार। हां प्रदीप जी जय 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 भीम जय। आज जो है अम्बेडकर जयंती समारोह और सभी संगठनों के जितने भी जो सदस्य हैं उनके द्वारा आज बाबा साहब की जयंती से पूर्व संध्या पर जो है आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की आज जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक दिन पहले 133 दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का आयोजन आज अम्बेडकर सर्कल पे आयोजित किया जा रहा है। और देखिए
बड़ी संख्या में सभी सामाजिक संगठन, सभी समाज प्रेमी बंधु सब एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब के मालापन किया गया, उसके बाद में दीप प्रज्वलित किया गया है और ये सीधा कार्यक्रम आपके सामने है। जी रवि भैया, इस प्रकार से जयंती नगर में मनाई जा रही है। देखो अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 100, देखिए इधर देखिए आप दृश्य, बड़ा ही मनभावक है। जी सर, 132 जयंती मशाल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की बनी, उसमें तो एक तरफ देखिए मशाल यात्रा आई है और दूसरी तरफ आप देखेंगे मशाल यात्रा पहुंची है। बाबा साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मशाल यात्रा पूरी पहुंची है। आता हूँ मैं आज, हुआ तो मशाल यात्रा पहुंची है, देखिए अम्बेडकर सर्कल पर और बाबा साहब की जन्म जयंती पर पुष्पांजलि। अरे बाबा साहब अमर रहे। अरे
भाई सारे जो यूथ कांग्रेस के साथी हैं उनके लिए एक बना वो स्पेशल और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट जी क्या कहना चाहेंगे आज विशेष बाबा साहब की जयंती पर। बाबा साहब तो संविधान के रचयिता है जिन्होंने देश के सारी जातियों को सारे समुदाय को साथ लेकर संविधान को रचा और आज हम जो भी हैं उनकी वजह से उन्हीं के योगदान उनके उनके भरोसे से उनके सूझ बूझ से जो संविधान चल रहा है जिसमें सारी जातियों को सारे समुदाय को स्थान मिला है और आज सब प्रोग्रेस कर रहे हैं और खुशी की बात है। हम उनके महान उनकी जयंती को बहुत बहुत शख्स दमन करते हैं। आज मशाल जुलूस पूरा निकाला गया है क्या संदेश? मशाल जुलूस तो हमारे राहुल गांधी जी पे जिस तरह से अटैक किया जा रहा है उनकी सदस्यता रद्द कर दी तो उनके समर्थन में हमने शांतिपूर्ण मशाल यात्रा पूरे देश में निकल रही है। उसी क्रम में उदयपुर में निकली है हमारे प्रभारी साहब भी आए हुए हैं हमारे सारे प्रदेश के नेता यूथ कांग्रेस के जिले के नेता सब यहाँ एकत्रित हुए बड़ी मात्रा में और बहुत ही सक्सेसफुल रैली निकली। राहुल गांधी तो बाबा साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं तो कहीं देखिए आप पूरा नजारा ये है पूरा अम्बेडकर सर्कल का। आगे पकड़े कन्नड़ आदमी होता तो मैं कन्नड़ करता सही बात है। अरे भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब ने क्या दिया देश को संविधान दिया। बाबा साहब ने क्या दिया देश को संविधान दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। माता की जय। भारत माता की जय। सर्कल का सीधा दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ बाबा साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज नगर में बाबा साहब की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित पुष्पांजलि पुष्प माला अर्पण किया गया है। उसी के दौरान आप देखें कि अभी शाम को ये दृश्य ध्वज लहरा रहे हैं।
बाबा साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देखिए आप पूरा अंबेडकर सर्कल जो है पूरा गुलजार हो गया है, चारों ओर देखिए सभी सामाजिक संगठन दिखाई दे रहे हैं। तो सुबह की ये तैयारी पूरी की जाएगी, सुबह सम्मान समारोह जो है वो रखा जाएगा। देखिए आप गुलजार हैं, चारों लाइटिंग लगा दी गई है, पूरा अंबेडकर सर्कल सज गया है। तो जैसा मैंने कहा था कि पहले कि शाम को बहुत ही सुंदर दृश्य दिखेगा, अभी देखिए बहुत ही मनमोहक दृश्य है। तो सभी जितने भी सामाजिक संगठन हैं सभी आए हैं और सभी बाबा साहब को नमन किया है, पुष्पांजलि अर्पित की है, दीप प्रज्वलित किए हैं। Yeah.